हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको इसको सॉल्व करना है, बट पहले इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। ये टॉपिक हमने किया था जब इंट्रोडक्शन किया था, तब मैंने आपको समझाया था इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो बिगिन करते हैं। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में जो कॉमन चीज हमें दोनों इक्वेशन में दिख रही है, दैट इज 1/x और 1/y, है ना। सो स्टार्ट करेंगे हम, लेट 1/x इक्वल्स टू यू एंड 1/y इक्वल्स टू वी। जरूरी नहीं है यू वी ही लो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। ओके जी, सो नाउ अब देखो, अगर 1/x हमारा u हो गया तो ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इक्वल्स टू 2। इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देती हूं। अगर आपको नहीं समझ आया कैसे हुआ है, देखो 1/2x है। 1/2x मतलब 1/2 इंटू 1/x, यही मतलब हुआ। सो 1/2 तो एज इट इज रहा, 1/x मेरा u हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया ना u/2। सिमिलरली v/3। अब यहाँ पे फर्दर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे ही। सो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 3u प्लस ये हो जाएगा 2v इक्वल्स टू 2। ये हो गया जी 3u प्लस 2v, 6 को उधर भेज दो, 6 2 12। सो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं, इसको मैं यहां से रब कर देती हूं। ओहो, सो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या मिलेगी हमें, देखो 1/3x मतलब x क्या है u वाला, सो u/3 प्लस 1/2y मतलब v/2 इक्वल्स टू है 13/6। ये 13/6 है, ठीक है जी। सो यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, ये हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा 3v इक्वल्स टू 13/6 एज इट इज। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6, 6 से 6 हो गया कैंसिल। फाइनल इक्वेशन हमें मिली है 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, got it? So, ये दो equations मिल गई हैं। अभी दोनों को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। वॉट आई एम गोइंग टू यूज इज द एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मुझे वो सबसे सिंपल लगता है। अब अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो देखो, यहाँ पे 3u है, यहाँ पे 2u है। अगर मैं पहले, चलो पीछे मैं दोनों equations लिख देती हूँ, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आप सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसी से भी कर सकते हो, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखते हैं अब क्या फाइनल इक्वेशन आती है हमारे पास, 3 × 2, 2 × 3 = 6u, अगेन 2 × 2 = 4, तो प्लस 4v इक्वल्स टू 12 × 2 = 24। ओके जी, नेक्स्ट 3 को 2 से करो 6u, 3 को 3 से करो 9v एंड 13 को 3 से करेंगे तो 39, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही करूंगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइंस चेंज कर देते हैं, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस का हो गया, ये दोनों हो गए कैंसिल। प्लस माइनस माइनस 4 में, 9 में से 4 माइनस करेंगे, 4 5 6 7 8 9 5v, लेकिन माइनस का इक्वल्स टू अगेन 39 में से 24 माइनस करना पड़ेगा, 9 में से अगेन 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 मिल गया हमें, ये 3 में से 2 गया 1 माइनस का, लेकिन माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। v हमारा आ गया 15/5, मींस v इक्वल्स टू आ गया 3, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ये v की वैल्यू से मैं u निकाल सकती हूँ, अगेन किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इनमें या इनमें, योर विश। सो यहाँ पे लेट्स सपोज ये नीचे वाली इक्वेशन ले रही हूँ मैं 2u, ऑल्सो यार आप लोग मेंशन करना है इसको
कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू 3 इन द सेकंड इक्वेशन. ठीक है जी. सो ये हो गया 2u प्लस 3, v की जगह 3 फिर से इक्वल्स टू 13, 2u प्लस 3, 3 इज 9 इक्वल्स टू 13. सो ये हो गया 2u इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2u हमारा हो जाएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13. 4 आ गया, u इक्वल्स टू हो गया 4 अपॉन 2, दैट मीन्स u की वैल्यू आ गई 2. सो अब यहाँ पे अभी हमें u और v की वैल्यू मिली है विच इज 2 एंड 3. अब ये u और v जिसके इक्वल है, फाइनल तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. सो आई कैन राइट, देखो यहीं पे लिख दे 1 अपॉन x मेरा u के इक्वल है ना. तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू u क्या है 2. सो अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूँ या अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ ले आओ, तो x मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 2. ठीक है. सो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2. सिमिलरली 1 अपॉन y इक्वल है v के, मतलब 1 अपॉन y इक्वल है 3 के. अगेन 3 यहाँ आ जाएगा, y ऊपर भेज दोगे तो y इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 3. ओके जी. सो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, एक आ गया हमारा 1 अपॉन 2 और एक आ गया हमारा 1 अपॉन 3. ठीक है, ये था अभी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का. काफी सारे पार्ट्स हैं. नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट बट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.